नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 17 से लेके 23 तारीख तक की, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से लीजिएगा और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। एनर्जी भी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर आपकी करंट फीलिंग्स वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम हो क्या हो सकता है और एंजल गाइडेंस आपके लिए। तो लेट्स सी, देख लेते हैं पाइसिस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस, टेन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। मुश्किल है टेन ऑफ सोर्ड्स पाइसिस आपके पर्सन टेन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में है। धोखे, फरेब, झूठ, बंदा बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। इनको उम्मीद नहीं था कि इनको इतना बड़ा धोखा मिलेगा, झूठ मिलेगी, फरेब मिलेगी, इतना पेनफुल स्थिति उनके लाइफ में आएगा। टेन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के साथ। लेकिन फिर भी ये बंदा क्लैरिटी के लिए सोच रहा है, कंफ्यूजन में है, अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। बहुत कोशिश के बाद भी ये उन चीज़ों से खुद को बाहर नहीं पा रहा है। जितना बड़ा धोखा इनको मिला है, फरेब मिला है, क्लैरिटी तो वे चाहते हैं लेकिन क्या करें, ये कन्फ्यूजन में है। अपनी लाइफ को बैलेंस करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, परेशान है, दर्द में है, दुखी हैं और बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव भी हैं, डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए। इनको क्लैरिटी चाहिए। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है पाइसिस। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पाइसिस आप अपने सोच को, अपने स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत करना चाहते हो, बहुत सारा मेहनत करना चाहते हो, रिश्ते में भी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी आप इंतज़ार भी कर रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो। मेहनत करके आपको सब कुछ मिलेगा इस बात की खबर आपको है, आप जानते हो। आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए जो वो अच्छे वक्त का इंतज़ार आप कर रहे हो, रिकॉन्सिलेशन का इंतज़ार आप कर रहे हो, यूनिवर्स से आप
प्रेयर कर रहे हो कि आपका वक्त सही हो जाए, आपके पास पैसे आ जाए, आपके रिश्ते सही हो जाए। ये ऐसा नहीं कि आप आज ही से कर रहे हो सकता है अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आप महीनों से कर रहे हो, बहुत दिनों से कर रहे हो, कम से कम 7-8 महीने तो, या फिर किसी के लिए ये सालों का मेहनत भी है आप कर रहे हो, और अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करके रखा है आपने, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। साथ ही साथ आपने अपने रिश्ते के लिए यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर भी कर रहे हो और अपनी स्टेबिलिटी भी पाने की कोशिश कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पर्सन को धोखा किसने दिया? अगर आपने इतनी शिद्दत से इस रिश्ते को पाने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स से आप प्रेयर कर रहे हो, आप उसी रिश्ते को पाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो धोखा कौन दे सकता है? आपको छोड़ के जो ये गए थे, कहीं और से इनको ये धोखा मिला, कंफ्यूजन मिली। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। हर कोई यही चाहेगा। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, रिश्ते में एक नया शुरुआत, नए परिवर्तन, यूनिवर्स के साथ ये खुद को कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, अपने रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाने की कोशिश कर रहा है। जो दुख दर्द परेशानी है उससे खुद को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है बंदा, करना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, इनके पास ऑप्शन है भाई, धोखा मिले, थप्पड़ मिले, फिर भी उनको नहीं छोड़ना, और जो आपके लिए इंतजार कर रहा है उनके पास नहीं आना। अच्छा हुआ धोखा मिला। परिवार को चाहिए, परिवार भी चाहिए, वो रिश्ता भी चाहिए, परिवार के साथ नए रिश्ते बन जाए, एडिक्शन भी रह जाए, प्यार भी रह जाए, एडिक्शन भी रह जाए, परिवार भी रह जाए, ये कैसा हुआ? दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं दोनों, ये पहले भी बैलेंस करना चाह रहे थे रिश्ते को भी, और जिनसे दिल लगा के बैठा है बंदा या बंदी उसको भी, पेशेंस के साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन कंफ्यूजन में है। जिनके साथ दिल लगा हुआ है ये धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ उनको बोले जा रहा है, फिर भी बंदा उनके साथ लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, ये एक एडिक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी, फिजिकल अट्रैक्शन है। इनको पता है कि ये बंदा या बंदी जिनके साथ ये रिश्ते में है, आपके साथ नहीं, आप इनके साथ शादीशुदा हो, पाइसिस जिसका भी एनर्जी आ रहा है, फिर भी ये आपके जो पर्सन है उसमें लगा हुआ है। इनको ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहिए, आप चाहिए, दिखावे के लिए आप चाहिए, परिवार लोगों को दिखाना, ये पैसे आप पर खर्च कर रहे हैं, उनको भी ये रख रहे हैं, एडिक्शन है। ऐसा नहीं कि उनको पैसे दे रहे हैं, पैसे ही आप ही को देंगे, लेकिन वो चाहिए उनको, ये उनका एडिक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है। वहां से थप्पड़ पड़े, घूसा पड़े, जो भी पड़े, झूठ धोखे, फिर भी उनको छोड़ना नहीं है, पता नहीं कैसी एडिक्शन है भाई। और ऐसा नहीं कि ये उनके साथ जो जुड़े हुए हैं बहुत खुश है, खुश नहीं है, पता नहीं क्यों जुड़ा हुआ है, लेकिन उनको वो रिश्ता भी चाहिए, आप भी चाहिए, कोई ट्रॉमा भी हो सकता है उनका, और ये एक तरीके का मैं एडिक्शन ही कहूँगी, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनको परिवार भी चाहिए, आप भी चाहिए, टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं, मेहनत से पैसे कमाना, परिवार को चलाना, ये सब कुछ चाहिए, लेकिन भाई उस रिश्ते के बारे में आप कुछ ना कहो,
जो मेरे दिल के करीब है, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपका क्या कहना है। पाइसिस, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई लिब्रा हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आप तो वही रुके हो और रुके रहोगे भी। पैसे कमाना, घर संभालना, पैसे बचाना, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना, इमोशन को कंट्रोल करना, हर चीज को दिल से लगा के रखना, पुरानी बातें, पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिक हो जाना। देख लेते हैं वो पांडकस के कार्ड क्यों आए। पैसे की प्रॉब्लम है आपको बहुत ज्यादा। ये बंदा आपको छोड़ के गया है या फिर रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं लेकिन इग्नोर कर रहा है, पैसा नहीं भेज रहा है, कुछ नहीं कर रहा है आपके लिए। लेकिन ये भेजेगा आपको पैसा। आपको पैसे चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, अपने लिए कमाना चाहते हो, परिवार को वापस पाना चाहते हो, खूब मेहनत करना चाहते हो आप। लेकिन इतना मेहनत करके भी जितना मिल रहा है उससे आप खुश नहीं हो। आपको अपने लिए जस्टिस की उम्मीद है। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड आया है। आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिल जाए, आपको न्याय मिल जाए, आपको अपने खोए हुए रिश्ते वापस मिल जाए, आपके अपने प्यार, अपना पर्सन वापस मिल जाए। ये क्या हुआ, आप जो हो उनके तरफ देख के बैठे हुए हो पर ये जो है यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख के घूम घूम घाम के ये चल रहे हैं। धोखा मिल रहा है, फरेब मिल रहा है, झूठ मिल रहा है, फिर भी नहीं छोड़ना। और आप जस्टिस की उम्मीद लगा के बैठे हुए हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। डेफिनेटली हुआ होगा, कार्ड भी तो वैसे ही आया है, इनजस्टिस हुआ है आपके साथ। आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो। अगर आपने सही किया है, आपके कर्म अच्छे हैं, आपके नियत अच्छे हैं और आपने सही किया है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके साथ अच्छा होना ही होना है, जस्टिस आपको मिलना ही मिलना है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। सेवन ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। रिश्ते से रिश्ते को छोड़ के जाने के बारे में सोच सकते हो आप लोग। कुछ ऐसा हो सकता है, सोचते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक दूसरे को साथ मिलेगा आपको, पारिवारिक रिश्ते बनेंगे। जैसे कि आपके पर्सन के दिमाग में है कि कुछ भी करूं परिवार को भी रखना है, ये रखेंगे। आपकी सोच अगर ऐसा है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। डिवाइन इंटरवेंशन होगा, कुछ ऐसे चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसके बाद इनको अपने परिवार में ही लौटना पड़ेगा। आपको जस्टिस मिलेगी जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है। क्योंकि आप कितना भी सोच लो, कितना भी कर लो, होना तो वही होता है जो ऊपर वाले चाहते हैं।
ये टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बंदा आएगा, क्योंकि दो बार टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप अगर देख सकते हो ये वापस आ रहा है, बहुत कुछ कर लेंगे ये वो कोशिश वगैरह, लेकिन कुछ नहीं होगा। ये कुछ जोर के झटके मिलेंगे उधर से, फिर ये वापस आ रहे हैं घर को। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो होना होगा भाई वो तो होके रहेगा। जो मेहनत किया है उनको उसका परिणाम मिलने वाला है। कितना भी आप कोशिश करो कि उसको ना दे, यूनिवर्स बैठा हुआ है भाई सबके लिए, तो आपको मिलेगा तो ज़रूर। रिकवरी, देखो कार्ड कितना रिलेट करके आ जाता है, ये बहुत बहुत सच्चे हैं। आपकी जो स्थिति है ना वो चेंज होने जा रहा है पाइसिस। जो दर्द जो कष्ट आपने झेले हैं, जैसे कि जस्टिस की उम्मीद आप लगा रहे हो, वो बक धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है, रिकवर करेगा। आपके जो पेन है वो रिकवर करेगा। इसके लिए आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, खुद का थोड़ा ख्याल रखना है, थोड़ा योगा मेडिटेशन करना है, अपने माइंड को शांत रखना है। बहुत ज़्यादा उतावले होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतावले होने से कुछ नहीं होता है। जब जो होना होता है तभी तब होता है। हर काम के एक सर्टेन वक्त होता है, सही वक्त में ही सही काम होगा, आप कितना भी कोशिश कर लो। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो दर्द है वो कम होने जा रहा है, आपकी परेशानी रिकवर करेंगे, आपके वक्त हालात अच्छे होंगे। आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना है और खुद की मेहनत जारी रखनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।